कैसे किसी लड़की को किस करने के लिए आकर्षित करें, कब किसी लड़की को किस करने का सही वक्त है, ये पता लगा पाना काफी कंफ्यूजिंग काम होता है। हो सकता है कि अभी आपको यही नहीं मालूम कि वो आपको सिर्फ एक फ्रेंड की तरह देखती है, या फिर हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए तैयार भी है या ना ही। आप अगर आपके रिश्ते में ये रोमांटिक स्टेप लेना चाहते हैं, तो फिर आपको उसे ये दर्शाना होगा कि आप उसे एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ और मानते हैं। किस करके आप उसे सीधा इशारा दे देते हैं कि आप उसके साथ रोमांटिक रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ केमिस्ट्री बनाएं और अपनी फर्स्ट किस के लिए एकदम सही बॉडी लैंग्वेज दिखाएं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप आपके प्यारे पार्टनर के मन में आपको किस करने की इच्छा जगा सकते हैं। स्टेप वन, केमिस्ट्री बनाना, बिल्डिंग केमिस्ट्री। एक दूसरे के बीच में कनेक्शन की जरूरत को समझें। आखिर ये केमिस्ट्री है क्या? दो लोगों के बीच में मौजूद जोश या आकर्षण दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। केमिस्ट्री इसलिए भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि यही वो एक चीज है जो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से एकदम अलग बनाती है। आप अगर किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो फिर आपको उसके साथ में कुछ केमिस्ट्री तैयार करनी होगी ताकि आप दोनों उस पहली किस की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। अगर आपके बीच में एकदम जल्दी से केमिस्ट्री नहीं बन पाती, तो भी परेशान न हों। कुछ कपल्स के बीच में ये वक्त के साथ धीरे धीरे बन पाती है, लेकिन अगर ये कुछ डेट्स के बाद भी नहीं बन पाई, तो फिर आगे बढ़ने का सारा जिम्मा आपको ही उठाना होगा। आप उसके ऊपर और ज्यादा प्यार दिखाकर या आप दोनों के रिश्ते के ऊपर अपने अनुभव के बारे में एकदम खुलकर बात करके भी ऐसा कर सकते हैं। अपने बीच के संबंध को दर्शाना। महिलाएं अक्सर ही पुरुषों के लिए केमिकली और उनके व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया देती हैं। लड़कियों को अगर आपके बर्ताव से ऐसा नजर आएगा कि आप दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने में कितने अच्छे हैं, तो वो आपकी तरफ पॉजिटिव शारीरिक प्रतिक्रिया देंगी, जैसे कि आप उसके सामने आपके फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करते हुए नजर आएं, किसी पार्टी में हंसें और अपने लोगों को एक मजेदार जोक सुनाएं। ये करते वक्त आपको बनावटी नहीं, एकदम नेचुरल लगना है। आपके इस रोमांटिक रुचि के साथ भी अपने संबंध को दर्शा सकते हैं। उसके लिए कुछ अच्छा लेकिन बहुत आसान सा काम करके देखें, जैसे कि जैसे ही वो पार्टी में आए, आप जाकर उसके लिए ड्रिंक लेकर आ जाएं। तीन, अपने दिल की तेज कर लीजिए। कुछ एक्साइटिंग करने की वजह से आपका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ठीक ऐसे ही रिएक्शन उस वक्त भी नजर आते हैं जब कोई इंसान फिजिकली उत्तेजित होता है। अपनी उस साथी को एक डेट पर लेकर जाएं और कुछ ऐसा करें जिससे एड्रेनालिन एक हार्मोन का स्त्राव हो। एक स्कैरी मूवी देखना सही रहेगा, वो शायद खुद ही आपकी तरफ छुप जाएगी या फिर आपके होंठ को थाम लेगी, खासकर किसी डरावने सीन में। इस तरह के स्पर्श की वजह से आगे आपके लिए किस करने के रास्ते खुलते जाएंगे। आप कुछ एडवेंचरस भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई एक अम्यूजमेंट पार्क है, तो फिर उसे रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएं। ये निश्चित रूप से आपके दिल की धड़कनों को तेजी से दौड़ा देगा। चार, कुछ अच्छी खुशी वाली बातें करें। खुशी महसूस करने की वजह से प्यार की भावना जागती है, इसलिए अपनी डेट पर अपने स्वर को ऐसे ही खुशनुमा बनाए रखें। उससे किसी ऐसे विषय पर बात करें जिससे उसे खुशी मिले, जैसे कि अगर वो आपसे अभी कुछ दिनों में किसी वेकेशन पर जाने का प्लान बताती है, तो आप उससे उसके प्लान्स के बारे में पूछना शुरू कर दें। उससे अपने आसपास मौजूद उसके फेवरेट रेस्तरां के बारे में पूछना भी सही विचार रहेगा। न सिर्फ वो आपके साथ में अपने खुशियों भरे पल को बांटेगी, बल्कि आपको भी उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो हुआ न एक के साथ एक फ्री। पांच, अकेले में कुछ वक्त बिताने के लिए निकालें। ऐसे अकेले में एक साथ कुछ वक्त बिताने से आप दोनों एक दूसरे को और ज्यादा जान पाएंगे। उस वक्त पर मोबाइल फोन, अनचाहे लोगों और मन भटकाने लायक म्यूजिक जैसे हर तरह के विचलन या डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर लें। ऐसी एक जगह चुनें जहां आपको कुछ प्राइवेसी तो मिल ले, साथ ही आप दोनों कंफर्टेबल भी हों। रिश्ते की शुरुआत में ही वो आपके घर पर आने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगी।
आप भी किसी पब्लिक लोकेशन या भीड़ भाड़ भरी लोकेशन में उसे किस करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, इसलिए सोच समझ कर अपने किस के लिए एक सही जगह का चयन करें। ऐसी किसी एक्टिविटी का चुनाव करें जो आप दोनों मिलकर कर सकें, जैसे कि एक साथ पढ़ाई करना, हाइकिंग करना या फिर किसी चीज़ को छीनना। आप जहां भी हैं, बस एक बात पक्की कर लें कि वहां पर सिर्फ आप दोनों ही हैं, ताकि आप अपनी किसी भी उम्मीद को पूरा कर सकें। आप अगर वॉक करते हुए या ड्राइविंग करते हुए उसे घर तक छोड़ने जा रहे हैं, ऐसे में जब आप उसे गुड नाइट कहते हैं, तब यह पल उसे किस के लिए बहुत अच्छा होता है। स्टेप टू, माहौल बनाना, गेटिंग द टाइमिंग राइट। पहले तो अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को लेकर सचेत रहें। देखा जाए तो आपको इस बात की पुष्टि करना है कि आप या तो अकेले हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर हैं जहां किस करना सही रहेगा। आप भी उसे लोगों की भीड़ के सामने किस करके या किस करने की कोशिश करते हुए डरा ना नहीं चाहेंगे। जैसे कि वो अगर किसी पुरानी सोच या रूढ़िवादी सोच रखने वाली फैमिली से है, तो फिर उसे उसके पेरेंट्स के सामने किस करना एक सही विचार नहीं होगा। ऐसे भी कुछ वक्त आते हैं जब इस तरह से पब्लिक में किस करना सही भी लगता है और नेचुरल भी। जैसे कि आप अगर किसी स्पोर्टिंग इवेंट में हैं और आपकी टीम एक बहुत बड़ा गेम जीत जाती है, तो ऐसे में अपनी डेट को किस करना एकदम नेचुरल लगेगा। सबसे अच्छा होगा अगर आप अपने अंदर की आवाज सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि किस करना सही नहीं है, तो बिल्कुल न करें। एक सही पल का चुनाव करें, जैसे कि वो नहीं चाहती कि कोई उसे उसकी फैमिली के सामने किस करे, ठीक इसी तरह वो नहीं चाहेगी कि उसे किसी अजीब सी स्थिति या पल में किस किया जाए। सही वक्त को समझने के लिए उसकी बातों पर और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। वो अगर उसके काम से संबंधित किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही है, तो ये वक्त उसे किस करने के लिए सही नहीं है। इसकी जगह पर उसे दर्शाएं कि आप उसे सुन रहे हैं। अगर आपके बीच में चल रही बातों की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है और आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, तो ये पल किस करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। सही वक्त पाने की एक वजह ये भी है कि उस वक्त पर आप दोनों के ही तरफ से किस करने के लिए तैयार होने की पुष्टि होती है। आपको उसे दिखाना है कि आपके मन में उसे किस करने का इरादा चल रहा है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप उसे ये दर्शा सकते हैं कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपके शरीर का रुख उसकी ओर कर लें, उसके साथ में एक पॉजिटिव और एकदम ओपन कनेक्शन दर्शाने के लिए मुस्कुराएं और सकी आंखों में देखें। याद रखिए, आपको एकदम सच्चाई दर्शाना है, इसलिए जबरदस्ती में न मुस्कुराएं न ही आंखों में देखने का झूठा दिखावा करें, नहीं तो आपके फेस पर कुछ ऐसे अननेचुरल एक्सप्रेशन नजर आएंगे जिन्हें वो आसानी से पहचान लेगी। अपना सिर हिलाते हुए और उचित रूप से प्रतिक्रिया देते हुए बीच में चल रही बातों में अपनी रुचि होने का संकेत दें। आपको जो भी सही लगे उसी ढंग से अपनी बाहों और कंधों को रिलैक्स कर लें। फिर चाहें तो उन्हें अपने पॉकेट में रखें या फिर बांध कर रखें। अगर आप नर्वस होने पर काफी घबरा जाते हैं, तो इनमें से किस भी एक विकल्प की मदद। चार, टच बैरियर, स्पर्श की सीमा को तोड़ें। हम में से कुछ लोग फिजिकल टच करने को लेकर स्वाभाविक रूप से आदि हुआ करते हैं। अगर आपके बीच में अभी तक एक दूसरे को छूने की वजहों का निर्माण नहीं हुआ है, तो उसको छूने के तरीके से ही अपने इरादों को उस तक पहुंचाएं। उसे छूने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको फिजिकली उसके करीब आना है, बल्कि आपको तो उसे उसकी भावनात्मक स्तर तक करीब लाना है। उसे छूना उसके साथ फ्लर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है और इसे बहुत कैजुअली भी किया जाना चाहिए। किसी मजाक के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए उसे छुए या फिर उसकी परफ्यूम या उसके बालों की तारीफ करके बिना छुए उसके करीब आएं। उसके किए हुए किसी मजाक पर हंसते हुए उसे छूने की कोशिश करें। आप चाहें तो उसकी तारीफ करते हुए सभ्यता के साथ उसे पीठ पर थपथपा सकते हैं या फिर उसके कंधों पर होंठ भी फेर सकते हैं। डांस करना उसकी स्पर्श की सीमाओं को तोड़ने का एक अच्छा तरीका है। फिर चाहे आप दोनों एकदम फास्ट सॉन्ग पर ही क्यों ना डांस कर रहे हो, फिर भी ऐसे कई मौके आएंगे जब आप डांस करते हुए उसके होंठ या शरीर के अन्य हिस्से को छू सकेंगे। 5,
उसके चेहरे को छूकर उसके मिजाज का अंदाज लगाएं, जैसे ही आप उसकी ओर से उचित बॉडी लैंग्वेज को भांप लेते हैं, फिर अपनी हथेलियों से उसके चेहरे को या उसकी चिन ठुड्डी को उठाकर उसे प्यार करें। वो अगर आपके स्पर्श को सही प्रतिक्रिया देती है, आपको उसके करीब आने देती है और आपके द्वारा बोलकर किए हुए फ्लर्ट को भी अच्छी प्रतिक्रिया देती है, तो अब आप उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके चेहरे को अपने करीब लाएं। वो शायद शर्माएगी और अपनी नचरों को झुका लेगी। आप जब उसकी बॉडी लैंग्वेज को भांप रहे हों, तब बहुत शांत रहें। अगर वो आपके द्वारा उसके चेहरे को छूने को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो फिर आप वहीं थम जाएं। जबरदस्ती में उसे किस करके किसी भी चीज को अजीब न बनाएं। स्टेप 3, उसे स्वाभाविक रूप से किस करना, किसिंग है नेचुरली। एकदम हल्के से उसे किस करें। आपको उसे बहुत जल्दी, बहुत जोर से या वेग रूप से किस नहीं करना है। आपका ये जो पहला किस है, ये उसके ऊपर आपकी एक यादगार छाप छोड़ सकता है, और फिर आपको भी तो इसे पूरी तरह से एंजॉय करना है। इसमें जल्दबाजी न मचाएं। इसकी बजाय उसे कंफर्टेबल फील कराते हुए उसके भरोसे को जीत ला। किस करना शुरू करने से पहले उसकी आंखों में देखें और उसे अपनी तरफ झुका लें। अब आपके अंदर से आने वाली आवाज ही आपको किस करने के सही पल का एहसास दिला देगी। जल्दबाजी न करें। अगर आप अचानक ही उसे किस करने के लिए खींचते हैं, तो वो शायद इसके ऊपर अजीब प्रतिक्रिया दे और फौरन आपसे दूर हो जाए। हो सकता है कि वो हंसकर सारे माहौल को बिगाड़ दे। अपनी डेट को अच्छी तरह से तैयार होने के लिए कुछ वक्त देने से न सिर्फ इस बात का अंदेशा होगा, बल्कि साथ ही वो भी खुद इसे करने की उसकी प्रतिक्रियाओं को भांपे। क्या वो मुस्कुरा रही है और ब्लश कर रही है, या फिर वो परेशान है और तनाव में है। अगर वो आपके फ्लर्ट के ऊपर पॉजिटिव रूप से प्रतिक्रिया दे रही है, तो ही आगे बढ़ें और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करें। अगर वो नेगेटिव रूप से प्रतिक्रिया देती है, तो फिर बस बातचीत को ही आगे बढ़ान की कोशिश में लग जाएं। बेचैन या परेशान न हो जाएं। वो अगर खुद को पीछे खींच लेती है, तो आपको उसकी भावना को सम्मान देना है। उसे अपनी ही भावनाओं को टटोलने का कुछ वक्त दें। वो अगर मुस्कुराती है, तो उसे दोबारा किस करें। सलाह, आपके दांतों को ब्रश करें और अपने मुंह को साफ रखें। अगर आपके पास में दांत साफ करने या माउथ वॉश करने लायक समय नहीं है, तो अपने पास में मिंट या गम जरूर रखें। रोमांटिक केमिस्ट्री बनाने की कोई समय सीमा नहीं होती। आप दोनों के लिए जो रफ्तार सही हो, उसी रफ्तार से आगे बढ़ें। आप अगर बहुत जल्दी मचाएंगे, तो आप उसे डरा देंगे, और अगर आप एकदम धीमे पड़ जाएंगे, तो भी उसे एहसास होगा कि आपकी तो उसमें कोई रुचि ही नहीं। हमेशा उसका सम्मान करें। कुछ लड़कियां पहली किस के दौरान अपनी तरफ से कुछ नहीं किया करती हैं, तो अगर वो आपको वापस किस नहीं करती, तो इसे एक क्लोज माउथ किस ही रहने दें।